मुंबई से एक अजीबोगरीबो मामला देखने को मिला है, जहां पर एक अपराधी महिला ने अपने प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए एक बार फिर अपराध का रास्ता चुन लिया। लेकिन इस बार महिला के लिए यह काफी महंगा पड़ गया, जहां जीआरपी पुलिस ने उसे गोवा के रेस्टोरेंट से गिरफ्तार कर लिया है। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी ने क्या जानकारी दी। 2022 में बोरिवली रेलवे पुलिस में एक एफआईआर रजिस्टर हुआ था। उसी एफआईआर में इस केस की आरोपी ने महिला फिरियादी को जॉब देने के बहाने मालाड स्टेशन पे बुलाया था, और वहाँ पे आरोपी ने महिला को, फिरियादी महिला को जॉब चाहिए तो एक इम्पोर्टेड कैमरा की जरूरत है ऐसा बताया था। उसके बाद इस केस की फिरियादी ने एक इम्पोर्टेड कैमरा भाड़े के तौर से लिया था, और वही कैमरा इस केस के फिरियादी ने आरोपी के पास हैंड ओवर किया। नेक्स्ट डे आरोपी ने इस फिरियादी को मलाड स्टेशन पे आने के लिए बोला था, और वहाँ पे वो पूरा आगे जॉब के बारे में बोलने वाली थी, बताने वाली थी, बट नेक्स्ट डे वो आरोपी वहाँ पे आई नहीं, और वहाँ पे अपने खुद के मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करके वहाँ से भाग निकल गई। उसके बाद हमारी टीम ने इस केस में इंडियन पिनल कोड सेक्शन 420/406 के तहत केस रजिस्टर किया था। इस केस के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, हमारे टीम ने इस आरोपी के बारे में लोकेशन गोवा स्टेट में मिलने के बाद, हमारी टीम ने जनवरी के फर्स्ट वीक में गोवा में जाके उस महिला आरोपी को ताबे में लिया है। उसका नाम है शलाका सुरेश गवस, उसका एज है 36 और वो रहने वाली सिंधुदुर्ग जिले की है, महाराष्ट्र की। इसके ऊपर इसके पहले ही 8 से 10 केसेस दाखिल है।